नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स के स्टॉक के बारे में। उनका क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो आ गया है, और उसके बाद में आज दिन है ट्यूसडे और आज है 8 अगस्त 2023। तो आज आप देखेंगे कि उनके क्वार्टर वन की रिपोर्ट क्या कहती है, और स्टॉक जो उनका स्टॉक है अडानी पोर्ट का, तो उस स्टॉक में किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आज दिन भर काफ़ी उछाल भी देखने को मिला। हालांकि 793 रुपीज़ पर ये स्टॉक आज ओपन हुआ था, और उसके ओपन होने के बाद में आपने नोट भी किया होगा कि करीब 803 रुपये का हाई भी गया है, और काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि कोशिश स्टॉक में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, और पूरे दिन का अगर देखेंगे तो अभी लास्ट में करीब 0.5% के डाउनफॉल के साथ में शायद क्लोजिंग उसकी होती हुई नज़र आएगी। और पिछले एक वीक से भी आप देख रहे हो तो अच्छी खासी उसमें करीब करीब 0.76% की तेजी भी देखी गई है। लेकिन क्वार्टर वन की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, उस रिपोर्ट के बेस पर हमने जो एनालिसिस किया है वही मैं आपसे शेयर करता हूं, और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। अडानी पोर्ट का जो क्वार्टर वन का मुनाफा है, अगर मुनाफे की बात करें तो करीब मुनाफा इनका बढ़ा है। मुनाफा 83% से बढ़कर 2,115 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है, और इनका जो परसेंटेज अगर आप देखें इनकम में करीब करीब 24% इनकी इनकम में ग्रोथ हुई है। एप्टिडा की बात करेंगे, 2,089 रुपीज से बढ़कर 3,766 करोड़ रुपए के लेवल पर है। और एप्टिडा मार्जिन की मैं बात करूं तो मार्जिन आप नोट कर सकते हैं करीब 41.3% से बढ़कर 60.3% हो गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी का नाम है, उसने कंपनी ने ट्यूसडे को ही अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। आज ही का दिन है। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 83% बढ़ गया है। वहीं रेवेन्यू की बात करूं 23% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, और एप्टिडा में 80% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली है। वहीं एप्टिडा मार्जिन में भी तेजी देखने को मिली है। तो मार्जिन मैंने आपको बता दिया 41.3% से बढ़कर 60.3% हो गया है। तो इस तरह की एप्टिडा मार्जिन में भी तेजी देखने को मिली है, और तिमाही नतीजों के ऐलान के बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को भी मिल रही है। स्टॉक ने अगर दिन के कारोबार की अब बात करेंगे तो कुछ नुकसान वापस लाने में सफलता भी उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है डे बाई डे। उसमें अगर इवनिंग क्लोजिंग अभी हुई नहीं है तो क्लोजिंग तक अब देखते हैं कैसा रहेगा। हालांकि हम बात कर रहे हैं तिमाही नतीजे की, तो कंपनी का जो पहली तिमाही का मुनाफा है पिछले साल के मुकाबले करीब 1,158 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,115 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। यानी कि इसमें 82.6% की बढ़त देखने को मिली है। और अगर बात करते हैं इनकम की, तो इनकम 5,058 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,248 करोड़ रुपीज पहुंच गई है, और इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 24% की बढ़त रही है। एप्टिडा 2,089 से बढ़कर के 3,766 करोड़ रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। इसमें 80% की बढ़त का अनुमान दिखाई देता है, और एप्टिडा मार्जिन की बात मैं लगातार इस वीडियो में कर रहा हूं, तो वो 41% लास्ट इनका था, तो उससे बढ़कर 60% से ज्यादा के लेवल पर पहुंच गया है। अब जब नतीजे अच्छे आए हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक में रिकवरी देखने को मिलती है, और तिमाही नतीजों के बाद अदानी पोर्ट्स के स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक अभी आप देख रहे होंगे कि ग्रीन लेवल में आ गया है। कारोबार आज दिन कर दिन में हो रहा है, अभी भी रनिंग में है। तो अगर पिछले बंद लेवल की मैं बात करूंगा तो 791 रुपीज़ के मुकाबले 765 के लेवल पर पहुंचा था। हालांकि स्टॉक के जो नतीजों के बाद में फिर से एक बार ये 803 रुपये के हाईएस्ट लेवल पर भी दिखाई दिया आज, और अपने दिन के निचले स्तरों में भी स्टॉक में करीब 4% की से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिल भी रही है। तो ये तो बात रही अडानी पोर्ट्स के स्टॉक के क्वार्टर वन के रिजल्ट की बात की रिजल्ट की, और रिजल्ट अच्छा रहा है। तो आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये पुराने ट्रैक पर अपने जल्दी आ जाएगा। हालांकि आपको याद होगा इसी साल फरवरी में इनके स्टॉक गिर गए थे, और फरवरी में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उस समय इनके स्टॉक को एकदम से डाउन हुआ था, करीब करीब 450 रुपये, 462 रुपये के आसपास शायद पहुंच गया था उस समय। और तब ये बात है करीब 2 फरवरी 2023 की, और उससे पहले की अगर बात करें तो स्टॉक करीब 932 रुपये के और 900 रुपये के आसपास में, 930 932 रुपये के आसपास में ट्रेड करता था। तो अचानक ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से गिरावट आई थी, और गिरावट के बाद से अब धीरे धीरे इसने धीरे तो नहीं कहेंगे स्पीड में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों को भी अगर लॉसेस रहे हैं उस दौरान में, तो शायद उम्मीद है कि वो बहुत तेजी के साथ में रिकवर होते हुए नजर आएंगे। जहां तक बात है एवरेज आप करते ही रहे होंगे, अगर जब आपने देखा होगा कि डाउनफॉल आया है, तो कुछ लोग स्मार्ट वर्क उस समय भी करते हैं कि 460 रुपीज़ पर जब ये डाउनफॉल इसका स्टार्ट हुआ था फरवरी में, जब ये गिरा था स्टॉक, तब ये उस समय लोग कुछ लोगों ने जरूर अपना स्टॉक प्राइस को एवरेज भी किया होगा, कुछ लोगों ने उसको 500 रुपये में एवरेज किया होगा, 600 में किया होगा, तो वो मार्जिन अभी भी बना चुके हैं। हालांकि अगर पहले आप लॉस अगर 900 रुपये के प्राइस पर अगर आप बायर हैं, और उस समय के अगर आप लॉसेस के समय से गुजर रहे हैं, और फिर भी आप इसमें
भरोसा बनाए हुए हैं, तो नो डाउट ये स्टॉक अब आने वाले समय में स्पीड पकड़ चुका है। क्वार्टर वन का रिजल्ट बहुत अच्छा है और जिसके चलते आप देखेंगे क्वार्टर सेकेंड्स के जब टाइम आएगा तो उस समय आप देखेंगे कि ये मेरे ख्याल से करीब 1200 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ भी नजर आएगा। तो उम्मीद है अब बहुत तेजी के साथ में रिकवरी इसके स्टॉक की देखने को मिल रही है। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स ने सबको प्रभावित भी किया है और अच्छा एक पॉजिटिव ग्रीन मार्क भी शो हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। ये था अडानी पोर्ट स्टॉक का क्वार्टर वन के रिजल्ट के बेस पर वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय।